अब बोलो मारे मन में आई है आप कोई बस आप कह दो अच्छा हाजी जो सामने नाश को अनित्य है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार अनित्य है स्वयं से नित्य हो नारायण 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 नारायण। मन में ये आई कि अपने कामना के त्याग की बात कहते हैं इच्छा के त्याग की बात कहते हैं तो कामना के त्याग करें तो क्या अन्न खाना छोड़ दें क्या पानी पीना छोड़ दें क्या कपड़ा पहनना छोड़ दें क्या मकान बनाना छोड़ दें कामना का त्याग करने क्या और ये हम त्याग किसने कैसे अन्न का त्याग कर देंगे तो जीवेंगे कैसे तो कामना है इच्छा है इसका त्याग करो उसका क्या तात्पर्य है ठीक है ना शंका। अब इसका उत्तर सुन लो एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है ये दो भेद है इसके। आवश्यकता होने से कामना होती है ऐसा भी कह सकते हैं पर आवश्यकता न होने पर भी कामना होती है। कामना एक और चीज है आवश्यकता एक और चीज है। जैसे भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है प्यास लगी तो जल की आवश्यकता है ज्यादा लगा तो मकान की कपड़े की आवश्यकता है। ये इच्छा नहीं कामना नहीं है आवश्यकता की पूर्ति होती है इच्छा का त्याग होता है। इच्छा क्या है करोड़ों रुपया हो जाए पास में तो भी धन की इच्छा होती है और धन कमा लें और अपन मिल खुल जाए कहीं और जगह कई जगह काम हो जाए जिसमें और पैदा हो जाए अधिक तो उनकी कमी थोड़ी है रोटी की कपड़े की मकान की निर्वाह की कमी नहीं है फिर इच्छा होती है इसका नाम है कामना। ये कामना का त्याग ही होगा कामना पूर्ति किसी की कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं कभी हो सकती ही नहीं कामना को तो त्याग ही करना होगा। तो कामना का क्योंकि जो स्वयं ये परमात्मा का अंश है और इच्छा करता है सांसारिक भोगों की पदार्थों की तो ये कामना है। मानो स्वयं चेतन होता है वह जड़ की इच्छा करे जड़ता की गुलामी स्वीकार करे ये कामना है। और भूख प्यास आदि ये शरीर की है तो शरीर और संसार एक जाति का है अन्न जल वस्त्र मकान और शरीर ये एक जाति की है। एक जाति की कमी होने से उसकी आवश्यकता होती है पेट में अन्न की कमी हुई तो भूख लगी तो कमी है उसकी पूर्ति होती है। ये विचार से नष्ट नहीं होती कितने व्याख्यान सुन लो कितने विचार करो भूख मिट जाएगी क्या प्यास मिट जाएगी क्या जाड़ा मिट जाएगा कैसे होगा ये बात उसमें नहीं होती ये आवश्यकता है। आवश्यकता होने पर इच्छा हो जाए ये दोनों चीज अलग है दो हो गई कि भूख लगी और भोगनी भोगनी भोजन की इच्छा हुई तो भूख लगी ये तो है अन्न की आवश्यकता और हमारे को अन्न मिल जाए अमुक पदार्थ मिल जाए ऐसे खाद्य पदार्थ मिल जाए ये है इच्छा। अरे भाई किसी से पेट भर हो जाए चाहे चने मिल जाए चाहे साग मिल जाए पत्ती मिल जाए कुछ भी मिल जाए पेट भर ये तो है आवश्यकता और अमुक चीज चाहिए अमुक उसको स्वाद देता ये स्वाद ही नहीं है ये ऐसी है। दो शास्त्र एक तो आयुर्वेद शास्त्र एक धर्म शास्त्र है। आयुर्वेद मानो शरीर के अनुकूल पड़े वो पदार्थ हो और धर्म से विरुद्ध न हो बस दो बात साल करके और खाना दे दो तो ये आवश्यकता की पूर्ति है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है
और इच्छा का त्याग होता है। ये दो चीज इच्छा और आवश्यकता है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। अब अपना विचार करें जीवन, तो ये उदाहरण तो दिया है एक शरीर को लेकर मैंने, सभी की इच्छा हुई है, आपको अपने भोजन की आवश्यकता हुई, परंतु ये दृष्टांत समझने के लिए है, वास्तव में इच्छा ही है। वास्तव में आवश्यकता क्या है एक जीव के लिए? आवश्यकता है परमात्मा की या संसार की इच्छा, ये याद करो। परमात्मा की इच्छा नहीं है, आवश्यकता है। और आवश्यकता से इच्छा हो जाए तो वो दोष ही नहीं है, बिना आवश्यकता मात्र की। तो परमात्म तत्व को जानना, भगवान के दर्शन करना, भगवान से प्रेम हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये कामना नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है, ये जरूरी है। और ये नहीं करोगे तो पशु पक्षियों की तरह ही है, मनुष्य पड़ा ही नहीं है। अगर ये आपके आवश्यकता की इच्छा भी नहीं हुई, आवश्यकता भी जागृत नहीं हुई, तो मनुष्य पड़ा नहीं है। ये गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं है, हाथी घोड़ा ऊंट में नहीं है कि कल्याण हो जाए। इस आवश्यकता की जागृति मनुष्य शरीर में होती है, हरेक शरीर में नहीं होती। अरे भूख हरे को लगती है, भूख प्यास ज्यादा है तो हरे को लगता है, कोई प्राणी मात्र हो। वृक्षों को भी लगती है भूख प्यास, खाद होती है, वो भोजन है, जल होता है, प्यास है। तो ये जो भूख प्यास आदि की, ये शरीर का धर्म है, और अपना कल्याण चालना ये शरीर धर्म नहीं है, ये स्वयं का धर्म है, ये स्वधर्म है, ये पर धर्म नहीं है। शरीर का धर्म है वो पर धर्म है, सांसारिक इच्छा करना, धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम सुख भोग संग्रह, इनकी जो इच्छा है ये कामना है। ये कामना तो मिटेगी तो भी शांत होगा, और इच्छा की इच्छा है लोग, आवश्यकता मिटती नहीं है, आवश्यकता तो रहती है, नहीं मिलेगी तो सही मर जाएगा, अन्न जल नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा तो भूखों में मर जाएगा, तो मर जाओ तो मरेगा ही। तो ये तो अन्न जल खा करके और कपड़ा भी चह करके बढ़िया ऐसा आराम करते तो मर जाता है, ये तो मरेगा ही, ये नई बात क्या होगा? अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, मकान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, तो ये न मिलने से मर जाएगा, यही तो बात होगी कि नरकम चला जाएगा। भूख लगी तो नरकम जाएगा, क्यों भूख लगी तेरे को? अरे भूख क्या अपराध किया भाई, भूख तो लग गई, अब यही अपराध हो जाएगा तो फिर तो हम बच ही नहीं सकते। तुम जल की इच्छा कर रही, जल मिले हमारे को तुम नकम जाओगे तो अब ऐसे कैसे स्वर्ग हो जाएगा, हम प्यास कैसे स्वर्ग देंगे? ये दोषी नहीं है, ये निर्दोष है, वो आवश्यकता होती है निर्दोष होती है, और कामना होती है वो निर्दोष नहीं होती है, वो दोषी वाली होती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, तो कामना के त्याग की बात आती है, आवश्यकता के त्याग की बात नहीं कहते हैं, आवश्यकता पूर्ति होती है। एक और बात है मार्मिक, आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो भगवान का विधान है, और उस पूर्ति के लिए हरेक को दया भी आ जाएगी, जनता भी दे देगी, परमात्मा का तरफ उसमें विधान है, आवश्यकता चीज मिले और जनता है वो भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर देगी। सांसर्ग आदमी भी आवश्यकता की पूर्ति की तरफ करेगा, पर कामना पूर्ति कर देगा, परमात्मा की तरफ से कामना पूर्ति का प्रबंध नहीं है। प्रावृत पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले शरीर उगी। पहले प्रावृत पहले पाप पीछे सही हुआ है, तो वो तो प्रावृत के अनुसार मिलेगा ही, जैसा सुख पाना है दुख पाना है, जैसा अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये तो प्राप्ति के अनुसार आएगी, तो इसकी इच्छा क्यों करे?
इच्छा करके तो केवल फजीति करनी है अपनी, अपनी इज्जत खोनी है। इच्छा करे तो मिलने वाली चीज है, इच्छा नहीं करे तो मिलने वाली है, और नहीं मिलने वाला हो तो इच्छा करो तो नहीं मिलेगी, इच्छा नहीं करो तो नहीं मिलेगी। ये तो निर्वाह जैसा होगा वैसा होने वाला वैसा होगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इच्छा करना ये गलती है, ये कामना का त्याग करो। आवश्यकता पूर्ति हो तो आवश्यकता को भगवान की तरफ से, जनता की तरफ से, प्रभु की तरफ से, ये तो आवश्यकता पूर्ति के लिए तो प्रबंध है, मैं इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है। ये तो मेरी एक आफत है, प्रसन्न जाओ तो दुख पाओगे, कोई शांति मिल नहीं सकती। कामना है, कामना की कोई पूर्ति हुई है कभी? कभी होगी? संभव नहीं है। कामना का तो त्याग ही करना चाहिए, इस वजह से कामना के त्याग की बात कही, आवश्यकता का त्याग करना चाहिए ऐसा नहीं कहा है। कहीं नहीं हो क्या कहो, वो तो आप ही पूर्ति होगी, स्वतः ही प्राप्ति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार आपसे आप ही होगी। वो कोई दोषी नहीं है, तो भूख लग गई तो पाप हो गया, प्यास लगे तो पाप हो गया, कोई बात ये तो आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य होगी आवश्यकता तो है परमात्मा की और संसार की है इच्छा, ये दो बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करना है, ये दोषी नहीं है। अपने कल्याण की इच्छा करना दोषी नहीं है, अपने उद्धार की इच्छा करना दोषी नहीं है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना दोषी नहीं है, जीवन मुक्ति की इच्छा करना दोषी नहीं है, ये दोषी है ही नहीं। तो ये इच्छा क्यों करी? तो आवश्यकता वस्तु मिलेगी, इसमें मिलने के बाद में दो भाग है, दो भाग है इसमें। जैसे शरीर का निर्वाह है ये तो प्राप्ति से हो जाएगा, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति प्राप्ति का अधीन नहीं है, ये वही तो हो जाएगी, तो इतनी बात नहीं है। ये तो आप चाहोगे करोगे तो होगी, तो नहीं होगी। ये नया पुरुषार्थ है, भोजन आदि क्यों मिले जो चेष्टा करो, परंतु ये नया पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पुराना प्राप्त का फल है, नहीं चेष्टा करो वो भी साथ दे देगी। परंतु ये हम त्याग करेंगे, भूख का त्याग करेंगे, भूख का त्याग कैसे करोगे, प्यास का त्याग कैसे करोगे, नहीं मिलेगा, अभाव रहेगा, अधिक से अधिक हो जाएंगे मर जाएंगे। तो अन्न खाकर पानी पी कर नहीं मरेंगे क्या? प्राय आदमी अन्न खाते हुए, पानी पीते हुए, कपड़ा रहते हुए, मकान रहते हुए मरते हैं। ऐसे बहुत कम मिलेंगे आदमी कि जिसके पास अन्न भी नहीं रहा, जल भी नहीं रहा, कपड़ा भी नहीं रहा, मकान भी नहीं रहा, कोई निर्वाह की चीज नहीं रहेगी और मर गया, बहुत कम देख रहे वहां। तो इच्छा और कामना ये दो चीज है, इच्छा कामना एक ही आवश्यकता, आवश्यकता और कामना एक दो चीज है। तो आवश्यकता मात्र मनुष्य के लिए परमात्मा की है, संसारी सब इच्छा है, सब इच्छा इसे त्याग करना चाहिए और परमात्मा की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। परमात्मा की इच्छा जिसकी हो जाए वो बड़े भागी है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। जो परमात्मा तू कोई जानना चाहता है, भगवान का दर्शन चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, ये चाहते हैं, वो बड़े श्रेष्ठ पुरुष वंदनीय है, आदरणीय पुरुष है, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा है। इस वास्ते ये तो अपने जागृत करनी है, इस आवश्यकता का तो अनुभव करना चाहिए। बिना परमात्मा की प्राप्ति के संसार दुख मिटेगा नहीं, इच्छा मिटेगी भी संसार की, संसार की इच्छा मिटेगी नहीं, नहीं मिटेगी, पूरी होगी नहीं, दुख पाते ही रहोगे। ना तो इच्छा को मिटा से मिटाते हो और ना कोई पूर्ति करके उसकी पूर्ति करते हो। इन दोनों में भी देखा जाए कि इच्छा मिटाना कठिन है, कामना छोड़ देना कठिन है, तो कामना पूर्ति होनी असंभव है। किसी की कामना पूरी हुई है? कभी पूरी हो सकती है? असंभव है। कामना पूरी कर दे
तो पूरी है कामना वो तो असंभव, और त्यागना है कठिन, तो कठिन और असंभव में असंभव कठिन होगी, कठिन तो कठिन रहेगी, छूट जाएगी। अरे कठिन क्या है, कामना भीतर रखते उस बात कठिन है, काम छोड़ दे वो छूट जाएगी, कुछ कठिन करिए नहीं कठिन था। पूर्ति कठिन है, किसी की भी कामना पूर्ति नहीं हुई, कामना पूर्ति नहीं हुई है, कामना रही नहीं, नष्ट हो गई, कामना कोई है इच्छा नहीं, चाह गई थी चिंता में थी और मनवा बेपरवाह, जिसको कसमें चाहिए सो सहन पदेशा, तो कसमें चाहिए अन्न जो नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, निर्वाह मात्र की वस्तु तो चाहिएगी, तो उसकी इच्छा क्यों कर चाहेंगे, वो आवश्यकता भगवंत से मिलेगी, पर भगवत प्राप्ति की आवश्यकता अपने को जागृत करनी है, उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये खाने पहनने के सो जाने उठने के लिए नहीं मिला, शरीर खा गया पी गया सो गया, इसके लिए शरीर नहीं मिला है, मानव शरीर मिला है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग करना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, आवश्यकता की पूर्ति इच्छा का त्याग होता है। अब इसमें कोई शंका हो बोलो, कोई शंका नहीं महाराज, कोई शंका नहीं है, आपकी नहीं है, कोई बोले बोले नहीं है वो ठीक है, कोई शंका होती है बोलो, वो बोलो। दो विभाग आपकी समझ में आया कि नहीं आया, शरीर के निर्वाह मात्र के लिए जो मन में इच्छा होती है वो कामना नहीं है, निर्वाह मात्र है, और वो उसकी पूर्ति होती है, उसका प्रबंध भगवान की तरफ से है, प्राप्ति की तरफ से है, और संसार की तरफ से भी है, किसी को दया आ जाए दे रोटी दे दो, इसको कपड़ा उठा दो, परंतु परमात्मा की आवश्यकता है वो तो खुद को ही जागृत करनी होगी और खुद को ही उद्योग करना होगा, जैसे भूख लगे तो रोटी खुद को खानी पड़ती है, ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति खुद को करनी पड़ती है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, भगवान की प्राप्ति प्राप्ति का फल नहीं है, कर्म का फल होता है नाशवान, फल कोई भी होता है पैदा होता है नष्ट हो जाता है, इस वास्ते ये फल नहीं है, ये तो अभाव संसार है, समझदारी है, बेसमझी इच्छाओं के कामनाओं में फेर में रहता है, समझदार इसका त्याग करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता समझता है और उस उद्योग करता है, तो उद्योग वो सफल होगा, और धन संपत्ति आदि के लिए उद्योग करोगे उनमें धन मिल ही जाएगा, ये कायदा नहीं है, वो धन की इच्छा भी हो और धन के लिए उद्योग भी किया जाए, प्राण भी साथ दे तब मिलेगा, परंतु परमात्मा के लिए तो केवल इच्छा हुआ, उसको जरूरत नहीं चाहते किसी के लिए, केवल आपकी आवश्यकता हो जाएगा, हम तो परमात्मा दर्शन चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे विचार में ना, तो ये वास्तव में आवश्यकता है, ये पूरी होने में कल्याण हो जाएगा, कल्याण करने के लिए है ये बात। अब बोलो शंका होती है बोलो, नहीं तो इस पर विचार करो, इच्छा और आवश्यकता ये दो चीज है, आवश्यकता जरूरी होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, ये वो जरूरी दिखती है जरूरी, आवश्यकता की वजह से ऐसे वास्तव में आवश्यकता परमात्मा की है, संसार की भूख प्यास कपड़ा मकान आदि ये इच्छा ही है, शरीर के लिए है ये, जैसे शरीर के लिए सांसारिक इच्छा होती आवश्यकता होती है, ऐसे स्वयं के लिए परमात्मा की मुक्ति के कल्याण की इच्छा होती है, उसकी आवश्यकता है, उसके लिए आवश्यकता को जागृत करो, वो इच्छा जागृत करो, मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, ये जागृत करने की आवश्यकता है।
इसकी बुद्धि परमात्मा की कृपा से होती है, सत्संग से होती है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्धि पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 5 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सरधुरा पर हुआ। राम।